डेली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल इन गोवा वाज डूइंग डोर टू डोर कैंपेन द इशू ऑफ गोवाज आर विल गेट टू नो फ्रॉम द गोन जस्ट व्हाट दे आर थिंकिंग सर इस बार जो आप वोटर्स हैं वो क्या सोच रहे हैं जैसे कि टीएमसी आम आदमी पार्टी ये भी काफ़ी जोर लगा रहे हैं कांग्रेस बीजेपी पुरानी पार्टी रीजनल पार्टीज भी बहुत है गोवा में तो इस बार का विषय क्या और किसकी तरफ सुलझाना किसका मतलब क्या है ना? फोकस जहाँ ज़्यादा होता है तो वहीं हम जाएंगे हमारे गोवा में कहीं कभी किधर फोकस है किसके पार्टी के किसका फोकस पर, है सर बात नहीं वो बता नहीं सकते क्योंकि वो जो यह है मीडिया में आएगा सो हमारे ध्यान में है कुछ तो हम ऐसे बात करते हैं जिस, जिस पर फोकस है हम भी वहाँ हैं बस फोकस तो गोवा में इस वक्त तो एमएलए एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जा रहे हैं उस पर वो फोकस नहीं वो फोकस नहीं, हाँ। वो फोकस नहीं। जो जो पार्टी है ना बड़े बड़े पार्टी है नाम जस्ट लाइक तृणमूल लाइक आप लाइक इसके बारे में सोचेंगे हम बस तो किसी तरीके का चेंज हमको चेंज चाहिए खाली चेंज चाहिए और कुछ नहीं क्योंकि पंद्रह पंद्रह बरस एक ही जगह पर रहने का अच्छा अधिकार नहीं रहता है इसके लिए थोड़ा सा चेंज करने लेगा बस कैंडिडेट्स के बारे में आपका कैसे सोचना होता है कई ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो बार बार इलेक्शन में खड़े होते हैं कुछ कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जो टीएमसी आप जैसे पार्टी में पहली बार खड़े तो क्या क्या लगता है आपको नए कैंडिडेट्स पर भरोसा करना चाहिए पुराने कोई वोट नहीं 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 कहेगा तो नया करेगा नया करेगा ऐसा है हमारा देखेंगे क्या होता है थैंक यू सो दैट इज दर्सेप्शन इन गोवा दैट गोव चेंज एंड अलॉट ऑफ सर्विस विच इज सेल पार्टीज आर क्लेमिंग द सेम थिंग बीथ द कांग्रेस बीथ द टी एम सी बीथ द आम आदमी पार्टी वेदर द चेंज विल टेक प्लेस इफ इट डज इन फेवर ऑफ होम एंड वेदर इट विल लीड टू डिडिंग ऑफ वोट इज अग क्वेश्चन फॉर द गोवा इलेक्शन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम विद कैमरा पर्सन राकेश सालसकर मुस्तफ़ा शेक इन गोवा फॉर इंडिया टूडे